यूपी ट्रक एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से भारत सरकार के गृह मंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में यूपी ट्रक संचालक एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि हम लोगों ने भारतीय न्याय संहिता धारा 106 के विरोध में यह ज्ञापन दिया है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को अपर होम सेक्रेटरी को पत्र जारी करके कहा है कि इस कानून को अगले आदेश तक रोका जा रहा है, जब तक कि ट्रक एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बात न कर ली जाए। इसलिए हम लोग ज्ञापन देकर चक्का जाम के आह्वान को वापस लेते हैं और अपने सभी ट्रक संचालकों से अपील करते हैं कि जैसे हम लोग कार्य कर रहे थे वैसे ही आगे भी कार्य करते रहेंगे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए यूपी ट्रक संचालक एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री रविंद्र प्रताप सिंह ने कहा, हम लोग जो भारतीय न्याय संहिता 2023 में धारा 106/2 के विरोध में हम लोगों ने आज डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देने का कार्यक्रम किया है और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को जो होम सेक्रेटरी अपर सचिव ने जो है कल एक पत्र जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह कानून जो है अगले आदेश तक रोका जा रहा है, अभी लागू भी नहीं है। जब तक ट्रांसपोर्टरों से इसके बारे में विचार विमर्श नहीं कर लिया जाएगा तब तक इसको लागू नहीं किया जाएगा। इसलिए हम लोग आज ज्ञापन देने के बाद अपना धरना प्रदर्शन या जो आह्वान चक्का जाम का किए थे उसको पुनः वापस लेते हैं और सामान्य जैसे अभी तक हमारे ड्राइवर भाई हम लोग चल रहे थे उसी स्थिति में आगे भी चलते रहेंगे। रविंद्र प्रताप सिंह, यूपी ट्रक संचालक एसोसिएशन का प्रदेश महामंत्री।